बसमरिम अल्लाक वरहि वर्कू इस लेक्चर में हम रिकॉर्डी इक्वेशन करेंगे डिस्कस और पिछले लेक्चर में जैसे आपने देखा था कि हमने बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था इस लेक्चर में हम रिकॉर्डी इक्वेशन की डेफिनेशन करेंगे उसके बाद रिकॉर्डी इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होती है वो देखेंगे पिछले लेक्चर में हमने बर्नौली इक्वेजन को लीनियर इक्वेजन में कन्वर्ट करना सीखा था इस वक्त हम रिकॉर्टी इक्वेशन को लीनियर इक्वेजन में कन्वर्ट करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे थ्योरम और उसका प्रूफ एग्जांपल और एम सी रिकॉर्टी इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y डैश प्लस पी एफ एक्स वाई प्लस क्यू एफ एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर एफ एक्स इज कॉल्ड द रिकॉर्टी इक्वेशन इसमें अगर आप देखें तो ये एक्स्ट्रा टर्म एक पड़ी हुई है वाई स्क्वेयर यहाँ तक अगर आपको याद हो लीनियर इक्वेशन की जो टर्म थी वो यहाँ तक थी वाई डैश प्लस पी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ कोई होता था क्यू एफ एक्स हम लेते थे ये ये होती थी लीनियर इक्वेशन अब आपके पास इक्वेशन में एक टर्म और ऐड हुई है जो टर्म ऐड हुई है वो वाई स्क्र वाली टर्म है तो उसके कोएफिशिएंट को हमने को कहा क्या कहा है q ऑफ x तो जो चीजें याद रखने वाली ये फॉर्म याद रखने वाली है रिकार्डी इक्वेशन की फॉर्म क्या है y डश प्लस p ऑफ x y प्लस q ऑफ x y स्क्वायर इज इक्वल टू r ऑफ x ये हमारे पास इक्वेशन है इस फॉर्म की कोई इक्वेशन जो होगी वो रिकार्डी इक्वेशन कहलाती है इन मेनी केसेस द सॉल्यूशन ऑफ वन कैन नॉट बी एक्सप्रस्ड इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस

और y1 जो है वो रिकॉर्टी क्वेश्चन का रिकॉर्टी क्वेश्चन का सोल्यूशन है देन द सब्सटीट्यूशन y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वन ओवर यू प्रोड्यूस वन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अगर नॉन जीरो uh, एक y1 रिकॉर्टी क्वेश्चन का सोल्यूशन पता हो तो उसको वन ओवर यू में ऐड करके सब्सटीट्यूशन की जाए y की जगह तो वो जो रिकॉर्टी क्वेश्चन है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखते हैं किस तरह होगी प्रूफ में हमने y y one one u ले लिया। इसको अगर हम लें इसका, तो क्या आएगा जो कि बनेगा। राइट साइड पर क्या जाएगा डेरिवेटिव तो जो सब्सिट्यूशन थी प्लस

इज इक्वल टू तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया है कि इतनी जो वैल्यू हमारे पास है ये वाली तो है डी वाई डी एक्स और ये है वाई और ये है वाई तो ये वाली वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो डिवेंशियल बनी है वो ये बनी है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाती है डी वाई वन और डी एक्स प्लस पी वाई वन प्लस माइनस आर माइनस वन यू स्केर डी ओवर डी एक्स माइनस पी यू माइनस टू क्यू वाई वन यू माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो इसमें एक बड़ी अहम चीज है नोट करने वाली वो ये कि इतना जो पोर्शन रह गया ये वाला ये ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन रिकार्टी इक्वेशन है रिकार्टी इक्वेशन याद करें सिर्फ फर्क क्या है रिकार्टी इक्वेशन में था डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू वाई स्क्र इज इक्वल टू आर और आर को इधर ले तो माइनस आर बन जाता है तो इसकी जगह फिर हम क्या लगाएंगे इसकी जगह जीरो लगा देंगे क्योंकि y1 रिकार्टी क्वेश्चन का सोलूशन है तो y1 जो है रिकार्टी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा यानी डी वाई वन ओवर डी एक्स प्लस पी वाई वन प्लस क्यू वन के बराबर होगा तो जब ये इतना पोर्शन जो है ये r के बराबर होगा तो r माइनस आर करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो इतनी ये टर्म जो है हमारे पास ये वाली सारी की सारी टर्म जो है ये वैनिश हो जाएगी ये टर्म जो है हमारे पास जीरो हो जाएगी जब ये टर्म जीरो हो जाएगी तो क्या रह जाएगा हमारे पास हमारे पास ये रह जाएगा ये ये टर्म जीरो करने का ये मैंने आपको आर्गूमेंट दिया है अभी जो बताया था कि वाई वन चूंकि सोल्यूशन है तो फिर डी वाई वन और डी एक्स प्लस, प्लस पी वाई वन प्लस क्यू वाई वन स्क्र माइनस आर जो है जीरो कायगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी यही बात ऊपर बता के आया हूँ मैं आपके पास बाकी जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा वो ये वन अब यू स्क्र जो है उसको उधर ले जाएं तो सिर्फ इतनी टर्म रह जाएगी जो अब आपके पास डी यू सिर्फ इतनी टर्म सिर्फ ये वाज जाएगी आपके पास जो कि यहाँ पे बची है क्या हो जाएगी डी यू ओवर डी एक्स माइनस पी प्लस टू क्यू वाई वन यू इज इक्वल टू क्यू राइट साइड पे ले जाएंगे आपको तो।, तो ये बड़े गौर से देखें ये लीनियर इक्वेशन है ये किस में लीनियर इक्वेशन है ये U में लीनियर है कैसे ये वो फॉर्म बन गई है dy ओवर वाली फॉर्म में और इसमें ये डी यू पर डी एक्स वाली फॉर्म है और इसके साथ जो आया हुआ वा है ये वाला u के साथ ये हमारे पास p है और ये वैसे q है तो ये फॉर्म एग्जैक्ट कौन सी बन गई है लीनियर इक्वेशन बन गई है लीनियर इक्वेशन किस में u में तो यही बात यहाँ अब आगे बताई जाएगी कि दिस इज़ अ विच इज़ अ लीनियर इक्वेजन दस इटिकुलर सोल्यूशन इज नॉन देन इट्स जनरल सोल्यूशन कैन बी फाउंड अब क्या समझ आई हमें कि अगर हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन वाई वन पता है रिकार्टी इक्वेशन का और उसमें वाई वन में आ, अगर हम वन प्लस यू करके वाई के वाई के बराबर रखें उसको रिकार्टी इक्वेशन पुट करें उसको सिंप्लीफाई करें तो वह लीनियर इक्वेशन बन जाती है आगे इसको सॉल्व करने का तरीका तो फिर वही होगा ना जो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते रहे हैं जिस तरह तो इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम एग्जाम्पल जो है वो क्या है

ये आपको याद करें डिफेंशियल इक्वेशन में जो वाई का कॉप्शन है वो पी होता है तो चूंकि यहाँ पे वाई वाली टर्म मौजूद नहीं है तो इस मीनस के पी जीरो है क्यू वाई स्क्र का कॉप्शन जो होता है वो क्यू होता है वो यहाँ पे चूंकि वाई स्क्र के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो क्यू माइनस वन के बराबर है और आर माइनस वन है तो आपको पर्टिकुलर सूशन पता है वाई वन वो वन है और वाई आ जाएगा वन प्लस वन और यू अच्छा जी अब डी यू पर डी एक्स जब आप इसका डायरेक्टर लेते हैं यानी अब ये जो डिफेंशल इक्वेशन आपके पास बनती है ये 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 इस वजह से अगर आप देखें गौर करें कि हमारे पास डिफेंशल इक्वेशन क्या है पिछले पीछे जो हमने थेरम प्रूव करके आए हैं उसके मुताबिक ये सब्सिट्यूशन करने से ये लीनियर इक्वेशन ये बनती है कौन सी बनती है डी यू और डी एक्स माइनस पी प्लस टू क्यू वाई वन इंटू यू इज इक्वल टू क्यू ये बनी बनाई लीनियर इक्वेशन है याद रखें पीछे हमने करके आए हैं ये हमने अभी इसको ड्राइव किया है मैं उसको दिखा देता हूँ आपको दोबारा ये देखें जब आप वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस में कन्वर्ट होती है वो ये फॉर्म है अब हम ये या तो ये फॉर्म डायरेक्ट याद रखेंगे हम ठीक है ना ताकि हमें स्टेप्स करने ना पड़े ये फॉर्म कौन सी है डी ओवर डी एक्स माइनस पी प्लस टू क्यू वाई वन यू इज इक्वल टू क्यू ये वाली फॉर्म हम जो है वो डायरेक्ट याद रखेंगे और इसी को इस्तेमाल करेंगे अब देखते हैं कैसे वो जो अभी मैं कर रहा था कि यहाँ तक हम पहुंच गए थे ये आया और ये कहाँ से आया वो यहाँ से आया जो मैं अभी बता हूं। के आया हूँ डी यू वी एक्स माइनस पी प्लस टू क्यू आई वन यूज इक्वल टू क्यू अब इसमें आप पुट किया ये देखें डी यूर डी एक्स वैसे ही आ गया ये नेगेटिव साइन वैसे ही आ गया पी की जगह जीरो आ गया प्लस टू इन टू क्यू की जगह आ गया आपके पास माइनस वन और वाई वन भी आपके पास जो है वो आ, वाई वन जब आपने वाई वन की वैल्यू पुट कर दी और आगे u यू और फिर आप इसको इज इस इक्वल टू आपके पास आ जाती है वैल्यू इसको जरा सिम्पलीफाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो डी यू वो डी एक्स प्लस टू यू आएगा और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी गलती है ये जो वाई वन पुट किया हुआ ये वन पुट कर रहे हैं इसको जरा ठीक कर लीजिएगा ये एक्चुअली वन है तो ये आ जाएगा माइनस टू यू और वो फिर माइनस बाई लगा हुआ है तो प्लस टू यू हो जाएगा तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू डी यू प्लस डी यूर डी एक्स प्लस टू यू इज इक्वल टू माइनस वन ये अब लीनियर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन में यहाँ पी टू है ई e की पावर में रख के इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा तो विच इज लीनियर इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ टू इज एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल टू

derivative of the product of the dependent variable and the integrating factor Depa here dependent variable is u and integrating factor is e raised per 2x when we integrate left hand side derivative will be removed and we will have u e raised per 2x and on the right hand side of course we have to integrate e raised per 2x and its answer will be e raised per 2x over 2 obviously

इज इक्वल टू थ्री का थ्री रहेगा अब u ऑफ जीरो मैंने यहां से निकालना है ना कैसे निकालना है x की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये माइनस वन बाई टू वैसे रहेगा और सी ओवर e की पावर जीरो आ जाएगा वो वन हो जाएगा तो माइनस वन बाई टू प्लस माइनस वन बाई टू प्लस सी आएगा तो u ऑफ जीरो की वैल्यू आपके पास जो है वो वन बाई टू आती है यहाँ से u ऑफ जीरो की वैल्यू वन बाई टू आती है और वो उसके साथ जो मैंने अभी बताई है आपको उस पर एकवेट कर दें 0, 1 C. की 1 में आप जो यू की वैल्यू जहां आपने सॉल्व की थी वहां सी की वैल्यू पुट कर दें जहां पे था ना यू की वैल्यू थी माइनस वन बाई टू प्लस सी ओवर टू एक्स सी की जगह वन पुट कर दिया फिर इसका आपने एलसीएम ले लिया तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन तो आपको पता ही है क्या है वन प्लस वन ओवर यू है वन प्लस वन ओवर यू तो ये इसका रेसिप्रोकुल हो जाएगा ना फिर यू का हो जाएगा रेसिप्रोकुलरज पर टू एक्सर टूर माइनस इरेज पर टू इसको सिफाई कर लें इसके एल्शियम लेके तो यू विल गेट टू इरेज पर टू एक्स ओवर टू इरेज पर माइनस टू एक्स अब एक एमसी क्यू डिस्कस कर लेते हैं रिकार्टी क्वेश्चन का एमसी क्यू जरिए अगर आपको पेपर में आएगा तो एक आदि आएगा ज्यादा तो नहीं आ सकते क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है

तो अब जरा करते हैं इसको अब वाई आपको पुट करना होता है, है एक्स स्क्र वो आपने पुट कर लिया और ये वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है जो बन जाया करती है डी यू डी एक्स माइनस पी प्लस टू क्यू वाई वन यूज इक्वल टू क्यू जब आपने इसकी वैल्यू पुट की है पी की वैल्यू माइनस वन पुट कर दी और क्यू की वैल्यू पुट की तो वो आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये रिजल्ट बनेगा डी ओवर डी एक्स प्लस वन प्लस फोर ओवर एक्स यू माइनस टू ओवर एक्स क्यूब और ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन यू में है इसमें अब आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो किसका किसको आपने इंटीग्रेट करना है इसको ई e की पावर में रख के इंटीग्रेट करना है क्योंकि नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन यू विच इज लीनियर इक्वेजन इन यू सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे मैंने अभी बताया कि म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर वन प्लस फोर ओवर एक्स डी एक्स इसकी इंडीशन करेंगे वन की एक्स आ जाएगी फोर ओवर एक्स की फोर लॉग एक्स आएगी इसको हम लिख सकते हैं ई e की पावर एक्स और ये ये जो फोर है ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा के एक्स की पावर फोर बन जाएगा ई e की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर फोर इसको सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा ई रेस पॉल एक्स इंटू ई रेस पावर लॉग एक्स फोर अब ये आपको जैसे पता ही है कि एंटी लॉग और लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और आंसर आपके पास कहता है एक्स की पावर फोर इस तरह से आप इसको म्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली अब क्या करना होता है इक्वेशन को म्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कराया जब आपने इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन जो थी उसको म्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कराना है तो आपके पास जो फॉर्म बनती है और उस मल्टीप्लाई कराने के बाद जो फॉर्म बनती है उसमें क्या करते होते हैं के इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स एक्स की पावर फोर है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है वो क्या है यू ये आ गया इंटीग्रेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का डायरेक्टर खत्म हो जाएगा और जब आप लेफ्ट का डायरेक्टर खत्म हो गया तो राइट हैंड साइड की आपको इंटीग्रेशन करनी है अब इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करेंगे uh, कंसर्डिंग एक्स एज टू एज सेकेंड फंक्शन एंड एक्स एज फर्स्ट फंक्शन इंटीगेशन बाई पार्ट्स करते हैं तो आपके पास ये आंसर आता है यहाँ से फिर आप यू की वैल्यू निकालते हैं और वन ओवर यू की ये वाली वैल्यू निकलती है और जो एक्स स्वेयर दोनों तरफ ऐड करते हैं एक्स स्क्र इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमें पता है कि एक्स के प्लस वन ओवर यू जो है वाई के बराबर है ये एक्स के प्लस वन ओवर यू वाई के इक्वल है तो ये वाई के इक्वल आ गया तो फिर ये सोलूशन निकला इसका मतलब है कि हमारा जो ये क्वेश्चन है उसका फिर आंसर जो है वो डी है